तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप और मेरा फेसबुक और मेरा यूनो एसबीआई, मेरा यानी जो भी मैं एप्लीकेशंस को चाहूँ उसको मैं छुपा सकता हूँ बिना किसी ऐप के, और इसको कोई नहीं खोल सकता है। अब जैसे ही आप इसमें नहीं मिलेगा, लॉक खोलेंगे और लॉक खोलने के बाद ये दो फिंगर देख रहे हैं, दो फिंगर को स्क्रीन पे ऊपर करेंगे और करने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा और ये पासवर्ड डालेंगे और देख सकते हैं आपका हाइड ऐप ओपन हो गया। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूनो एसबीआई हमने हाइड किया है। आप कोई भी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं बिना किसी ऐप के। तो आपको भी सीखना है तो वीडियो को अंत तक सीखिएगा और एक लाइक कर जाइएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आपकी लाइव प्रूफ, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर बगल में चल रहा है। मेरा व्हाट्सएप भी आ गया यहाँ पे, यूनो भी आ गया और मेरा फेसबुक भी आ गया और इंस्टाग्राम भी आ गया। जितने एप्लीकेशन हमने हाइड किए थे मंगा दिए। आप अलग एप्लीकेशन जो होता है प्ले स्टोर से लोड कर उससे हाइड करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जब आपके फ़ोन में ही सेटिंग दिया रहता है, हर एक फ़ोन में, मैं दावा करता हूँ कि हर एक फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशंस हाइड यानी छुपाने का ऑप्शंस रहता है। तो ये सीखना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है, क्योंकि हर एक फ़ोन में सेटिंग होता है और यहीं पे आपको व्हाट्सएप हाइड करने का हर एक फ़ोन में सेम ऑप्शंस रहता है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सेटिंग को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन आपको एक बात याद होगी कि सिक्योरिटी का ऑप्शंस मिलता है और उसके नीचे ही आपको प्राइवेसी का ऑप्शंस भी मिल जाता है। बिल्कुल आपने इसे सुना, सिक्योरिटी के नीचे ही आपको प्राइवेसी का ऑप्शंस मिल जाता है। अब ये रहा आपका सिक्योरिटी और इसके नीचे रहा प्राइवेसी। प्राइवेसी पे क्लिक करना है। 100% आप हाइड करेंगे और किसी, मतलब कोई भी नहीं ओपन कर पाएगा, कुछ भी कोशिश करेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे आपका एप्लीकेशंस हाइड हुआ है। तो आप सारा काम कर सकते हैं। देखिए यहीं पे आपको यहीं पे ऑप्शंस मिलेगा, धीरे 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 देखना है। इसी आपको प्राइवेसी में ही एक ऑप्शंस मिलता है ऐप हाइडिंग का। नीचे से आप देखिएगा, तीसरा नंबर ऐप हाइडिंग का मुझे ब्लू कलर में मिल गया। आपको भी ऐप हाइड या हाइडिंग का ऑप्शंस मिल जाता होगा। ऐप हाइडिंग पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने अपना पासवर्ड डाल दिया था। आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। यहाँ से हम इस पासवर्ड को ओपन कर लिए। अब आपको साफ साफ दिखाई होता होगा ऐप हाइडिंग का। यहाँ पे देख सकते हैं सारा ऐप है। यहाँ पे आप किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ज़्यादातर लोग क्या हाइड करते हैं, व्हाट्सएप हाइड करते हैं, लड़के क्या करते हैं, फ्री फायर को हाइड करते हैं। तो हम व्हाट्सएप को नॉर्मली, आप कोई भी एप्लीकेशन हाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी। अब तो हमने व्हाट्सएप को हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस आप ऊपर आता है, हाउ एंड व्हेन टू हाइड एप्स, यानी ऑप्शंस आपको मिलता है। तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली पे टिक लगा देना है और नीचे भी टिक लगा देना है, ताकि जैसे ही आपका फ़ोन लॉक हो, अनलॉक कोई करे तो उसको दिखे ही ना। देखिए हो गया काम। उसके बाद आपको नीचे व्यू हाइडिंग एप्स का ऑप्शन मिलता है। अब इस पर लिखा है स्वीप अप विथ द टू फिंगर द होम स्क्रीन टू व्यू हाइड, यानी ऊपर का टू फिंगर जब आप करेंगे स्क्रीन पे वो ऑप्शन आएगा, वरना नहीं आएगा। इसको क्लिक कर ऑन कर देता हूँ। अब जैसे ही ऑन करते हैं, जैसे ही नीचे प्राइवेसी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड सेट करना होगा। मैं सेट कर चुका हूँ, इसको ऑन कर दिया। अब देख सकते हैं मेरे यहाँ पे व्हाट्सएप गायब। ध्यान से देखिएगा, व्हाट्सएप कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। सर्च पे भी जाते हैं तो आपको व्हाट्सएप नहीं दिखाई देता है, यानी व्हाट्सएप हाइड हो गया, कोई भी नहीं खोज पाएगा। अब स्क्रीन को हमने लॉक किया, लॉक कर ओपन किया। ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है ओपन हो गया स्क्रीन, और ओपन होने के बाद यहाँ से व्हाट्सएप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन देखने के लिए आपको स्क्रीन पे आना है और टू फिंगर को अप करना है ऊपर। अब ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड को ओपन किया। अब देख सकते हैं हाइड हिडन एप्स, यानी व्हाट्सएप को हमने क्या किया था, हिडन किया था, छुपाया था। अब यहाँ से आप व्हाट्सएप चला पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए और ऐसी ही वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।